आयशा ऑपरेशन से आ चुकी है, उसके क्या दांतों का थोड़ा ऑपरेशन हुआ था, दांत निकाला, तो अभी आइसक्रीम लेकर जा रही है आयशा। जा जल्दी, जा पिघल जाएगी, खड़ी हुई है यहाँ पे। बाय। तो एक बार जल्दी से चलते हैं ऊपर। तो गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 1:41। आज व्लॉगिंग लेट चालू की और अभी मैं खाना खा लेता हूँ। खाना खा के फिर मिलेंगे जल्दी ही। और ये बताना था कि ये हमारा 15 से ऊपर ब्लॉग बना दिए हमने और अब ये 50 तक ले जाएंगे हम। 50 डेली ब्लॉग्स करेंगे, उसके आगे अगर करना हो तो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अच्छी ग्रोथ हो रही है और मेरी रोज़ की आदत भी हो चुकी है डेली ब्लॉग्स बनाने की, तो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं मिलता हूँ खाने के बाद। तो गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अभी दिन में सो गए थे खाना खाने के बाद ही, क्योंकि एक तो फिर बैटरी भी लो गई थी फ़ोन की, और फिर मैं छत पे थोड़ा सा मतलब धूप में टाइम पास के लिए छत पे गया और फिर नीचे भी आ गया और नींद आ रही थी तो सो ही गए। अब उठाऊँ और हाथ मुँह कर दो तो एक बार हम दूध पी लेते हैं और फिर मिलते हैं। गाइस कल जो नाइशल मैंने रोस्ट बनाया था वो पूरा तो नहीं बना था, आधा ही बना था जैसा कि आपको पता है, तो आज हम शायद बचा हुआ रोस्ट करेंगे पूरा, तो शायद ही करेंगे। नाइशा एक तो ऑपरेशन करा के आई है तो फिर शायद उसके दर्द हो रहा हो या तो वो बोल मतलब इतना ज़्यादा नहीं बोल पाए, तो देखेंगे अगर वीडियो शूट कर पाएँ, वरना जितनी बनी है वो भी मतलब लंबी मतलब सही है, लंबी है वो भी ठीक है, तो यहाँ तो हम उसको अपलोड कर देंगे आज में या कल में, वैसे कल हो जाएगी मेनली कल ही है। तो अभी एक बार दूध पी लेता हूँ, फिर फिलहाल हम पी लेते हैं दूध और बादाम भी ले आए हैं, थोड़े बॉक्स में पड़े हुए हैं क्योंकि पहले कप में थे और फिर अब बॉक्स में थे, तो मैंने फिर अब थोड़ा खा लेता हूँ मैंने सोचा। और ये हमारा 19th व्लॉग है, हमने 19 डेज तक डेली व्लॉगिंग किया है और सपोर्ट भी मिला है सबसे, आधे से ज़्यादा तो मतलब आधे से ज़्यादा तो नहीं, आधे तो फ्रेंड्स ने किया है तो थैंक यू सो मच तुम लोगों को, और आधे मेरे सारे व्यूअर्स ने भी किया है तो थैंक यू सो मच कि 132 सब्सक्राइबर्स आज हो गए हैं। मेरे लिए तो ये भी बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि जनरली तो लोगों को तब सेटिस्फेक्शन मिलता है जब उनके 1000 होते हैं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मतलब मेरे इतने तो कम से कम हुए और कुछ तो फ़ायदा हुआ। और मैंने हर बच्चे का सपना होता है कभी कभी कि यूट्यूब चैनल तो खोलेगा, और लॉकडाउन में तो अब बिल्कुल काम नहीं है, मतलब अब तो लॉकडाउन लग चुका है, लोग काम के लिए निकल रहे हैं अपनी जॉब के लिए, बाकी कोई नहीं निकल रहा, लॉकडाउन है अभी राजस्थान में तो है, और जगहों पे भी है लेकिन हाँ राजस्थान में तो पूरा स्ट्रिक्टली है। और फिलहाल अभी हम बादाम खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं और Q&A भी जल्दी करूँगा मैं, Q&A भी जल्दी करेंगे और थोड़े और क्वेश्चंस आने देते हैं। तो फिलहाल अभी एक बार मैं दूध पी लेता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:00। अभी हम कमरे में बैठे बैठे, अभी पापा तो गए लेकिन हम महाभारत देख रहे थे, अभी भी देख रहा हूँ मैं। और मेरा बहुत मन था कि अभी 27 को हम जब अपने भाई को लेने जाएंगे तो मैं भी जाऊँ, लेकिन यार मैं जा नहीं पाया क्योंकि अब तो ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आ गई है गाइस। आप लोग घर पे रहिए, कोरोना होने के बाद होती है और मुझे तो हो गया था, तो अब पता नहीं, सब सेफ रहने चाहिए, हमें सेफ रहना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैं अपनी अम्मा तक से नहीं मिलने जा पा रहा हूँ। मतलब मेरी भी एक अम्मा है गोवर्धन में, वहाँ मतलब इतना अच्छा लगता है उनसे बात करके, लेकिन नहीं जा पाऊँगा। बाकी मेरा तो बहुत मन था कि मैं वहाँ जाऊँ, अपनी नानी से मिलूँ और अपनी अम्मा से मिलाऊँ व्लॉग्स में, और बहुत मन था उनके साथ रहूँ, लेकिन अब जाते भी एक दिन के लिए जाते, लेकिन वो भी मुझे एक रहता एक दिन के लिए गए तो अपनी अम्मा से तो मिल पाया मैं, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है। अब ये कोरोना ख़त्म कब होगा गाइस पता नहीं, जब लोग प्रिकॉशंस रखना चालू करेंगे, घर पे रहना चालू करेंगे, क्योंकि लोग तो पान खाने निकल रहे हैं अपने घरों से। गाइस आप लोग घर पे रहिए, क्योंकि यार ये इतना मतलब लोग के इसे हल्के में ले रहे हैं, कोरोना बढ़ता जाए हमारी सिटी में बढ़ रहा है और हम तो घर पर बैठे बैठे मतलब पक गए हैं। स्कूल तो वैसे खुलेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, बस घर पे रहना है, क्या कर सकते हैं गाइस, घर पे ही बैठे रहो, टीवी देखते रहो। अभी मैं महाभारत देख रहा हूँ। राजकुमार जी यही है सामने, अभी दिखाता हूँ। तो ये
वर्णव्रत को दिखा रहा है पुरोचन पांडवों को। आइए महारानी जी पधारिए। पुरोचन, प्रवेश से पूर्व द्वार पे दीप जलाना होगा। थोड़ी सी महाभारत देख लेते हैं, फिर चलेंगे नीचे और देखेंगे, सबसे मिलेंगे। तो अभी थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। तो वैसे फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 7:20। मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ पे टिया निया दोनों हमारी छोटी छोटी बेबी हैं और दादी दादू हमसे मिलकर सीरियल देख रहे हैं। नायशा भी थोड़ी देर में छत पर आ जाएगी, हम भी छत पर चलेंगे और आज पापा के साथ स्किपिंग करेंगे। फिलहाल मैं नीचे हूँ और टिया निया हमारे साथ है। चुकी। और तुम्हारे क्या हाल चाल है? ओ टिया, ओ टिया, कैसे खेल रहे हो यहाँ पे हैं? कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है सोफे पे, कहाँ जा रही है? उसको देख देख यहाँ पे। ओ ओ ओ, तो ये यहाँ पे ऐसे बैठ रही है, हैं? बैठ नहीं सकते चुपचाप? क्या मिलेगा इससे, हैं? क्या मिलेगा? अब ये खींचेगी गब्बर हमारी, ये लो। ठीक है, अब कुछ नाटक मत करना। छत पे चल रही है स्किपिंग करने, आज पापा तेरी क्लास ले लेंगे। थोड़ी एडिटिंग करना, एडिटिंग करेंगे यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं अब हम छत पे। तो अब हम आ चुके हैं छत पे, सनसेट हो चुका है, अब हम करेंगे पापा के साथ स्किपिंग। वाओ। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ नायशा के यहाँ। उस वीडियो का जितना भी पार्ट बचा हुआ था अभी हम शूट करेंगे। टाइम हो रहा है 8:45, वक्त लेट हो गया क्योंकि नायशा थोड़ी चिढ़ गई थी ऐसे ही, मतलब थोड़ा मूड ख़राब था। तो अभी फ़िलहाल मैंने ट्राईपॉड निकाल दिया है, अब इसका सेटअप करूँगा और फिर वीडियो शूट करेंगे। तो गाइस वीडियो बनाने का प्लान फेल हो गया, वो क्योंकि नायशा थोड़ी छोटी बातों पर गुस्सा हो गई और उसने कहा कि छोटी बातों पर ही तो हुई हूँ मैं। अरे कोई नहीं यार, चल आ जा बना ले। नहीं आना। अरे शूट कर नहीं आना। तो गाइस देख लो कैसे नाटक कर रही है, रिकॉर्ड इंसान। फिलहाल मैं नीचे आ चुका हूँ, अब खाना खाएंगे पाव भाजी और फिर मिलते हैं खाने के बाद। फिलहाल मैंने खाना खा लिया है, अभी टाइम हो रहा है 9:55 और मैं बैठा हूँ यहाँ पे निया के साथ। सॉरी निया क्या, टिया, दोनों में कंफ्यूज रहता हूँ। हाँ क्या ब आ हाँ, अरे ये क्या है, मास्क ले लिया। कुछ मतलब नहीं है, अब ये लो। तो गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11:00। मैं अब इस व्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ, अभी थोड़ा स्टार्ट की है तो शायद कंप्लीट हो जाएगी आधे घंटे में। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, आपने इतना सपोर्ट किया हमारे डेली व्लॉग्स को भी। ये हमारा 19th व्लॉग है और हम 50 तक करेंगे और उसके बाद भी कंटिन्यू रखेंगे अगर हो पाए तो। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर भी कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.